हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ट्रैकर। गाइस, ये क्लास 10 चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। जो हम यहाँ तक पढ़कर आ चुके थे कि वेरिएशंस होती हैं ऑर्गेनिज्म में, सो किस टाइप से वेरिएशंस इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निकेज इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। बोल रहे हैं जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म की इतनी ज़्यादा, वो रिप्रोड्यूस करती है एंड इकोसिस्टम में क्या करती है, अपने एक प्लेस को सिलेक्ट कर लेती है या फिर अपने एक निके को सिलेक्ट कर लेती है। व्हाट इज निके? निके होता है कोई ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल प्लेस या फिर कुछ भी सूटेबल, मान लो उसकी सूटेबल जॉब, उसका सूटेबल खाना, मतलब जो उसे पसंद है जिससे लेकर वो खुश रहता है, सो वो होता है निके उसका। और यहाँ पर निके जो यूज़ किया गया है वो किया गया है एक प्लेस के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म एक वेल डिफाइंड प्लेस में अपनी जगह को सिलेक्ट कर लेता है रिप्रोड्यूस करने के बाद। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। बोल रहा है जो डीएनए की कॉपी हो रही है, डीएनए की कॉपी हो रही है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, वो इम्पोर्टेंट है बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए। एंड ये जो फीचर है ये अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को एक उस पर्टिकुलर निके में रहने के लिए। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। जो रिप्रोडक्शन है वो किससे लिंक है? एक पॉपुलेशन, एक स्पीशीज की पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ओके, सो नोट्स में क्या लिखा है देखिए, वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनिज्म के लिए। द नेचुरल कंडीशन डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, दे कीप ऑन चेंजिंग। क्या है? जो नेचुरल कंडीशन है वो चेंज, वो कभी भी सेम नहीं होती, चेंज होती रहती हैं। एंड वेरिएंट स्पीशीज आर मोर अडेप्टेड बिकॉज वेरिएशन टेक प्लेस फॉर देयर सर्वाइवल। और जो वेरिएशन हुआ स्पीशीज में, वो वेरिएशन वाली स्पीशीज ज़्यादा अडेप्टेड होती हैं। एंड वेरिएंट स्पीशीज आर मोर अडेप्टेड बिकॉज वेरिएशन टेक प्लेस फॉर देयर सर्वाइवल एंड इंक्रीज देयर चांस ऑफ सर्वाइवल इन देयर न्यूली चेंज एनवायरनमेंट। गाइस, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है मैंने ये। यहाँ पर बोल रहा है कि वेरिएंट स्पीशीज मतलब जिस स्पीशीज में चेंज हुआ है, जैसे हमारे पूर्वजों से अब जाकर हमारी जनरेशन में जो चेंज हुआ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अडेप्टेड है। जैसी सूटेबल, जैसी कंडीशन है हमको मिलती है, हम उस कंडीशन में ढल जाते हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा अडेप्टेड हैं। पहले हमारे पूर्वज फिश थे और फिश के बाद मंकी, एप्स, मतलब ये सब क्या हुए, हमारे एंसेस्टर्स आते गए, मतलब हमारे एंसेस्टर्स हैं। हम जैसे जैसे ग्रो हुए, ये डिफरेंट टाइप की ह्यूमिड्स एनवायरनमेंट्स, इन सब प्लेसेस में रहने के लिए हमारे अंदर वेरिएशंस आई। तो ये क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेड हैं क्योंकि वेरिएशंस होती हैं सर्वाइवल के लिए, वेरिएशन ज़रूरी हैं। एंड इंक्रीज देयर चांस ऑफ सर्वाइवल इन देयर न्यूली चेंज एनवायरनमेंट। जो अलग एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसमें वेरिएशन के बाद लिविंग बींग्स आसानी से रह सकते हैं। अगर वेरिएशन स्टॉप हो जाए, वेरिएशन ना हो ऑर्गेनिज्म में, तब क्या होगा, वी विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट द चेंजिंग कंडीशन। हम जो कंडीशन चेंज हो रही है, एटमोसफेयर चेंज हो रहा है या जो भी चेंज आ रहा है, उस चेंज में हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। लाइफ विल बी फैटल। लाइफ कैसी होगी? फैटल हो जाएगी। गाइस, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रह सकते हैं आराम से, 40 डिग्री सेल्सियस में, इवन हम 48-50 डिग्री सेल्सियस तक में भी रहे हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब क्या है, क्या पता आगे आने वाले टाइम में अर्थ पर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में धीरे 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 करके वेरिएशंस आ रही हैं, जिससे कि आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो उस टेम्परेचर में भी रह सकेगी। ओके, अब देखिए आगे बोल रहा है वो, यही इसी को एक्सप्लेन किया गया है। निके कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। निके जो है वो चेंज हो सकता है, मतलब जो सूटेबल कंडीशन है आज हमारे लिए, वो सूटेबल कंडीशन चेंज हो सकती है ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि ये जो है ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन। अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। वाटर लेवल जो है वो वरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर लेवल आ सकते हैं। देयर कुड बी मेटराइट हिट्स, मतलब कोई जो उल्का पिंड होता है उसका टकराना, उसके टकराने की वजह से कुछ भी हो सकता है अर्थ पर। टू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल, ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से
क्या हो सकता है, हमारा निके चेंज हो सकता है। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सुटेड टू अ पर्टिकुलर निके एंड इफ द निके वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। बोल रहा है कि अगर मतलब जो पॉपुलेशन है वो रिप्रोड्यूस ना करे ऑर्गेनिज्म अपने सूटेबल प्लेस में, तो क्या होगा, इन दी एंड जो पॉपुलेशन है वो वहां से गायब हो जाएगी, वाइप्ड आउट हो जाएगी। सॉरी। ओके। हाउएवर इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन ए फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन, बोल रहा है कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट होनी चाहिए इंडिविजुअल्स में, देयर वुड बी सम चेंज फॉर देम टू सर्वाइव। इसकी वजह से क्या होगा कि वो सर्वाइव कर सकेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल अभी बताया था। ओके। दस इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर्स। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है आपको बैक्टीरिया का, कोई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एक नॉर्मल टेम्परेट वाटर में जिंदा रहता है। एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज, अगर क्या किया जाए, वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे, बट द फ्यू वेरियंट्स रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव। लेकिन कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया भी होंगे जो हीट को रेजिस्टेंट करेंगे और सर्वाइव कर जाएंगे आगे। सो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। सो इन द एंड वो ये कह रहा है कि वेरिएशन जो है वो इम्पोर्टेंट है एक लाइफ के लिए, एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए। ओके। सो गाइज, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके। हम इसमें ये एक्टिविटी जो दे रखी है इनके बारे में और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो रिप्रोडक्शन का टाइप स्टार्ट होता है उस पर पढ़ेंगे। सो गाइज, इन एक्टिविटी में कुछ नहीं है। सबसे पहले बोल रहा है कि आप एक क्या करो, वाटर लो, एक टेस्ट ट्यूब में नहीं, मतलब किसी में भी एक वाटर लो, 100 ml तक वाटर लो, ठीक है। इसमें 100 ml वाटर डाल लिया। अब बोल रहा है उसमें 10 ml तक शुगर सॉल्यूशन डालो, 10 ml उसमें शुगर ऐड कर दी हमने। ओके। सॉल्यूशन बन गया एक। अब इसमें से 20 ml सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ले लो। अब इसमें से हमने एक टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन डाल लिया पूरा 20 ml तक का, ठीक है। क्या होगा, अब इसमें एक पिंच ईस्ट की डालो, मतलब एक चुटकी भर ईस्ट इसमें डाल दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज ईस्ट, ईस्ट इसमें हमने घोल दिया, ठीक है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को बंद कर दो, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बंद कर दिया हमने। आप क्या बोल रहा है, इसे एक वॉर्म प्लेस में रख दो। इसको पूरे वॉर्म प्लेस पर रख दिया। उसके बाद 1 से 2 घंटे बाद ऑब्जर्व करो। और क्या क्या ऑब्जर्व करना है, एक इसकी स्मॉल ड्रॉप लो और उसको एक स्लाइड पर रखो। स्मॉल ड्रॉप ली ईस्ट कल्चर की और स्लाइड पर रख दी, ठीक है। ये पूरी हमने स्लाइड पर रख दी और इसे कवर स्लिप से बंद कर दिया। अब इसको ऑब्जर्व करो, तुमको क्या देखने को मिलता है। सो गाइज, उसी एक्टिविटी का यहाँ पर आंसर दे रखा है कि हमको क्या देखने को मिलेगा। देखिए, ईस्ट देखने को मिलेगा। ईस्ट एक सिंपल यूनिसेलुलर फंगस है। इन द अ फेवरल मीडियम इट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। क्या होगा, इसमें बडिंग होगी और ये रिप्रोड्यूस करेगा। ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है। कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, जो शुगर प्रेजेंट है, ये शुगर और वाटर इसकी फेवरेबल कंडीशन है जिसमें ये आसानी से ग्रो कर सकती है। सो एक स्मॉल आउटग्रोथ दिखाई देगी ईस्ट पर। सून दी जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करेगा एंड एक कॉपी जो है उस कॉपी से एक नई बड बन जाएगी और एक वो नई बड एक और ईस्ट बना देगी। नाउ बड डिटेक्ट फ्रॉम मदर ईस्ट एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ साइकिल। अब जो बड बनी है वो बड वहां से सेपरेट हो जाएगी और एक नई लाइफ साइकिल बनाएगी। ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी है, उसमें बोल रहा है वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट ऑन अ कूल, मतलब एक ब्रेड की स्लाइस लो, उसे गीला करो और उसे रख दो मॉइस्ट प्लेस या डार्क प्लेस पर। उसके बाद ऑब्जर्व करो सरफेस पर आपको क्या देखने को मिलता है। सो गाइस, देखिए क्या देखने को मिलेगा इसमें आंसर में, जैसे ही बोल रहा है जस्ट लाइक शुगर फेवर ईस्ट, जैसे कि शुगर जो है वो फेवरेबल कंडीशन है ईस्ट के लिए, उसी तरह से ब्रेड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट और वाटर जो हमने डाला ब्रेड के ऊपर पानी, ये फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, राइजोपस के लिए। सो ये भी एक फंगस है राइजोपस, एक टाइप की, ये राइजोपस के लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो देखिए गाइस, इस टाइप से ये ब्रेड जो है शो होगी, इसके अंदर इस टाइप से राइजोपस अरेंज हो जाएंगे। एंड राइजोपस क्या है, एक फंगस है जो ग्रीन और ब्लैक हो सकती है। वी ऑल्सो कॉल देम
ब्रेड माउल्ड, और इसे ब्रेड माउल्ड भी कहा जाता है। ओके गाइस, अब वो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इन दोनों को कंपेयर करो और बताओ आपको क्या देखने को मिलता है। सो हमने इसका आंसर आपको बता दिया। उसके बाद वो बोल रहा है, हैविंग डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वर्क, लेट अस नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रिप्रोड्यूस। अब हमने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया, अब देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप से रिप्रोड्यूस।